तो आप मुझसे बात करना चाहते हैं जानवी के बारे में? आप दोनों हैदराबाद में कलीग थे, फिर दोनों ने पुणे में ट्रांसफर ले लिया। तो या तो मैं आपके ऑफिस आ सकती हूँ या आप यहाँ आ सकते हैं, फेस टू फेस बात करेंगे, चॉइस आपकी है। इंस्पेक्टर, जो आप जानना चाहते हैं वो सब बता तो दिया है मैंने, अब और क्या पूछना है आपको? जब तक आपके पति का मर्डर केस हल नहीं हो जाता तब तक हमारे सवाल खत्म नहीं होंगे जानवी तिवारी। क्या पूछना है आपको? आपको यहाँ आना होगा। फोन पे क्यों नहीं? हमें आपका फोन भी चाहिए। मेरा फोन? लेकिन क्यों? क्योंकि आपका फोन शायद गवाह है आपकी 2 महीने की शादी का। देखिए सर, आप प्लीज ये पहेलियां मत बुझाइए। जितनी जल्दी आपको है कि मेरे हस्बैंड का कातिल पकड़ा जाए, उतनी ही जल्दी मुझे भी है। तो फिर तुरंत यहाँ जाइए पुणे, फोन के साथ। सॉरी सर, मैं पुणे नहीं आ सकती, उस शहर से मेरी बहुत बुरी यादें जुड़ी हुई है और मैंने अपनी जॉब से भी रिजाइन कर दिया है। अगर आप पुणे नहीं आई तो हम उज्जैन आ जाएंगे, फिर शायद उज्जैन में भी आपकी बुरी यादें तैयार हो जाएंगी। आप मुझे धमकी दे रहे हैं सर? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं वो कौन था जो गौरव को धमका रहा था। ये बलराज पुलिस को उकसा रहा है। डोंट वरी जानवी बेटा, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। जब हमारी कोई गलती है नहीं तो फिर टेंशन किस बात की? हाँ, मैंने पहले योगेश का नाम लिया और फिर जानवी का। क्यों? क्योंकि जानवी का असली चेहरा तो गौरव के जाने के बाद ही दिखा। जब घर छोड़कर गई तो चेहरे पर शिकन तक नहीं थी उसके, कि भरी जवानी में विधवा हो चुकी है। बलराज जी, आपके कहने पर हमने योगेश की काफी छानबीन की और अब जानवी की बारी है। हमें जानवी के साथ भी क्वेश्चनिंग करनी है, काफी सख्त। लेकिन उससे पहले आप हमें ये बताइए, यहां वापी में आपकी किसी के साथ कोई अनबन, कोई दुश्मनी? थैंक यू सर, यह आप योगेश को जाने दे रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर ये नालायक कहीं फरार हो गया तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा, मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिएगा। सर, मैं बिजली विभाग में ही काम करता हूं, आसानी से मिल जाऊंगा आपको। वैसे जल्दी से हम किसी पर भरोसा करते नहीं है, पर इस वक्त मैं आप पर कर रहा हूं। जब भी हमें योगेश की दोबारा क्वेश्चनिंग करनी होगी तो आप खुद लेकर आएंगे इसे। थैंक यू मैडम। एक चीज होती है इत्तेफाक, कोइंसिडेंस, और एक और चीज होती है ओवर कॉन्फिडेंस, कि हम बहुत स्मार्ट हैं, हमारी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। देखिए, कुछ भी चोरी छुपे नहीं हुआ है। मैं और जानवी हैदराबाद में कलीग थे, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में और मैं लीगल डिपार्टमेंट में। हमारे बीच में अच्छी बनती है। कितनी अच्छी? जितनी आपकी और आपके कलीग की बनती हो उतनी ही अच्छी। जानवी ने पुणे में ट्रांसफर ले लिया तो आपसे रहा नहीं गया, तो आपने भी ट्रांसफर ले लिया, उतनी अच्छी। जानवी के हस्बैंड गौरव के मर्डर केस में आप लोगों को कोई सुराग नहीं मिल रहा है, इसलिए आप कंप्लीटली फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और अंधेरे में तीर चला रहे हैं। लेकिन मैंने गौरव का मर्डर नहीं किया है और ना ही मेरा जानवी के साथ अफेयर है। अभी तक तो हम वहां पहुंचे भी नहीं। जानवी तो खैर शादी के बहाने पुणे आ गई, आपका क्या बहाना था? कोई बहाना नहीं है। मेरे बाबा को 6 महीने पहले हार्ट अटैक आया था। मेरे मॉम डैड पनवेल में रहते हैं और मेरे पुणे ट्रांसफर लेने का यही रीजन था, ताकि मैं हर वीकेंड्स पे अप डाउन कर सकूं, उनकी देखरेख कर सकूं। अब आप मुझसे मेरे बाबा के हार्ट अटैक का सबूत मांगेंगे? बिल्कुल वकील साहब, उस हॉस्पिटल का नाम जिसमें फादर का ट्रीटमेंट हुआ, उस डॉक्टर का नाम और पेरेंट्स का नंबर और एड्रेस। सर, अगर मेरी किसी से दुश्मनी होती तो मुझे मार डालते, यहां वापी पुणे जाकर बेचारे गौरव को क्यों मार डाला? वो भी सिर्फ इसलिए कि वो मेरी गाड़ी चला रहा था। क्योंकि आपने जानवी के पिता से बतौर दहेज मांगी थी। वही तो कह रहा हूँ सर, उन्हीं का किया कराया सर। यहाँ से लौटते वक्त काफी परेशान था वो, उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई गाड़ी उसे फॉलो कर रही है। ये सब जानवी की बनाई हुई कहानी है सर। पहले पीछा करने का हवा बनाया और फिर मरवा डाला मेरे बेटे को। जानवी का ही किया कराया है सब, उसी का, खा गई हमारे बेटे को वो। बलराज जी, क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई पुरानी दुश्मनी हो? उसने आपके जिगर के टुकड़े को इसलिए मार दिया क्योंकि वो आपको दर्द देना चाहता था। छोटी मोटी अनबन, छोटे मोटे डिस्प्यूट तो हर धंधे में होते ही रहते सर। बलराज जी, एक एक करके सारे डिस्प्यूट, सारी अनबन के बारे में हमें बताइए। सर, आप हमारे धंधे के पीछे पड़े हुए हैं, खामखा अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना आपसे, ये सब कुछ जानवी का ही किया कराया। लोग तो दुश्मन की 13वीं तक भी रुक जाते हैं। आपका तो पति था गौरव,
ये हमारा निजी मामला है इंस्पेक्टर, प्लीज आप पॉइंट टू पॉइंट सवाल करें। आपके पति का मर्डर हुआ है जानवी तिवारी, गौरव के दाह संस्कार के बाद अगले दिन आपने अपना बैग पैक किया और उज्जैन के लिए निकल गई। दो दिन में कोई औरत सब कुछ कैसे भुला सकती है, 48 घंटे। सर ये कोई सरकारी रूल है कि इतने दिन मिनिमम शोक मनाना ही चाहिए? इसके ससुराल वाले तो चाहते थे कि ये उन्हीं के घर में रहे, घर की बहू बनकर सेवा करे उनकी। सिर्फ 25 की है जानवी, इसकी पूरी जिंदगी सामने पड़ी है। 24 और 25 सितंबर की आप छुट्टी ले सकते थे, लेकिन आपकी जिद थी कि नहीं, 23 की मीटिंग आपको अटेंड करनी ही करनी है। ऐसा क्या अर्जेंट था जो आप मंडे 26 सितंबर तक पुश नहीं कर सकते थे? सर मैं सीएस हूं, एक कॉरपोरेट कंपनी में जूनियर एग्जीक्यूटिव थी, वो भी नए ट्रांसफर पर। पूछे मेरे बॉसेस से कितना जरूरी था मेरा वहां 23 सितंबर को होना। वो हम पूछ चुके हैं जानवी तिवारी। जी हाँ, बहुत जरूरी मीटिंग थी। 23 का 26 नहीं हो सकता था? बिल्कुल नहीं, नो चांस। और जानवी के बिना मीटिंग नहीं हो सकती थी? अब सर वो मैं नहीं कहूंगा, कॉर्पोरेट सेटअप है, स्टैंड बाय में तो लोग रहते ही हैं, लोग बीमार पड़ते हैं यू नो। तो टेक्निकली जानवी बीमार पड़ सकती थी, मीटिंग स्किप कर सकती थी, राइट? वेल हाँ, अपनी टीम के साथ मीटिंग अटेंड करना ये कम्प्लीटली उसका और उसकी टीम का डिसीजन था। आपकी टीम से भी बात हुई हमारी, उनका कहना है कि 23 तारीख की मीटिंग कोई जिंदगी और मौत वाली नहीं थी। तो अब आप मेरी बेटी को कातिल करार देंगे सिर्फ इतनी सी बात के लिए? इन्हें जो करना है करने दीजिए पापा, मैं नहीं डरती। इन लोगों को भी समझना चाहिए कि गौरव को भी जल्दी थी उस दिन आने की, वो बिल्कुल ओके था मेरे फैसले से, उसे भी जल्दी लौटना था, मीटिंग थी उसकी धीरज के साथ। पर एक दिन पहले गौरव की कार अचानक बंद पड़ गई और आप लोगों को SUV लेकर निकलना पड़ा। सर वापिस से पुणे लौटने के कई तरीके हैं, बस, ट्रेन, टैक्सी, और ये गौरव का डिसीजन था कि हम SUV से निकलें। अगर वो जिद करता संडे तक रुकने की तो मैं अपनी मीटिंग कैंसिल करवा देती, रुक जाती। सॉरी पर हमने तो कुछ और ही सुना है। जानवी की हर चाल हर पैतरा एक ही बात को लेकर था, किसी भी तरह 22 को निकल जाना है, वो भी नई गाड़ी में। सर मैंने गौरव से कई बार कहा कि बेटा रुक जा, वो भी रुकने को तैयार था, पर आखिर में उसे सच बोली दी कि जानवी नहीं रुकेगी, उसे 22 को जाना ही जाना है। सब कुछ पहले से तय कर रखा था उसने, मार डाला हमारे बेटे को। मरवाना होता तो वापी में ही मरवा देती सर, कहने में भी आसानी होती कि ऐसा कुछ कैसे करवा सकती हो, मुझे तो उस शहर का ABCD तक नहीं मालूम है। शायद उसे पता था वापी के बारे में ABCD से लेकर XYZ तक सब कुछ, जो आप पर मन मिटा था और बाद में मारने और मिटाने पर उतार हो गया। अब ये आपने लाइन क्रॉस कर दिया इंस्पेक्टर, चलो जानवी बहुत हो रहा है। बहुत हो चुका है, मर्डर हुआ है आपके दामाद का। रुकिए अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी पूरी नहीं हुई है। जानवी तिवारी क्या आपकी लव लाइफ में कोई और है? कोई नहीं था सर, और ना कोई है, और अगर मेरी लाइफ में कोई और होता सर तो मैं गौरव से शादी क्यों करती? जानवी का हर फैसला उसका अपना रहा है और आगे भी रहेगा इंस्पेक्टर। हाँ रही बात किसी कॉलेज टाइम पागल लवर की, तो मैं मानता हूं कि ऐसा होता होगा और केसेस में, पर यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो बेटा मेरा फोन प्लीज। अभी नहीं, 2 दिन लगेंगे फोन की स्कैनिंग में, और हाँ तब तक पुणे में ही रहिएगा, दोबारा जरूरत पड़ेगी आपकी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना बेटा, सारा सीमित है। ऑफिस खाली कर दिया है, चाबियां भिजवा रहा हूं, मुझे मेरा डिपॉजिट कब तक मिल जाएगा? OTP 1698। हॉस्पिटल घर
ए टू जेड हर जगह इंक्वायरी की मैडम। ये सतीश जोशी, इसके डैडी को रियल में हार्ट अटैक हुआ था अप्रैल में, और ये रियल में हफ्ते में 2-4 बार पूना पनवेल अप डाउन करता है। मतलब वो जो बोला वो सच है। तो झूठ कौन बोल रहा है ईश्वर? तू बोल रहा है कि सुपारी नेटवर्क से कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आप कुछ है ही नहीं तो क्या बोलेगा मैडम? गौरव का नाम तलक नहीं सुना किसी सुपारी वाले गैंग ने। पर मारा तो गया है ना, वो भी पूरे सुपारी स्टाइल में, और बंदे को पहले से खबर थी कि वो मारा जाने वाला है। तो माजरा क्या था? सिलवासा में एक छोटा सा प्लॉट है सर, गौरव के फादर बलराज उसकी डील कर रहे थे सर। उस प्लॉट के दो पार्टनर हैं, जिग्नेश चावड़ा, हेमंत पारिक। बलराज का इन दोनों के साथ डिस्प्यूट चल रहा था। इस डिस्प्यूट का मर्डर से कोई कनेक्शन दिख रहा है मोरे? इस जिग्नेश चावड़ा और हेमंत पारिक दोनों से बात की मैंने सर, सामने से कुछ बोल तो नहीं रहे। इन दोनों के पास 3-3 फोन नंबर हैं सर, कोई ड्रामा नहीं किया, तुरंत नंबर दे दिए और कहा किसी भी इंक्वायरी के लिए कभी भी तैयार हैं। और गौरव की हैचबैक कार? गौरव के फादर ने जिस मैकेनिक से कार ठीक करवाई थी उसने कहा कि कार के इग्निशन स्विच में प्रॉब्लम था, लेकिन कार सामने से जानबूझकर बिगाड़ी गई हो ऐसा कोई साइन तो नहीं मिला उसे। सर, साइबर सेल और फॉरेंसिक टीम की फाइंडिंग है कि जानवी के फोन से कुछ फोटोज, वीडियोस और मैसेजेस डिलीट किए गए हैं। सर, फोटो के सीरियल नंबर से पता चला है कि डिलीशन है। फोन से डिलीट करने से वो सोच रही है कि काम हो गया। जानवी के फादर अखिलेश उज्जैन में बिजनेस बाहुबली है, तो उसने समझ लिया कि वो बच निकलेगी। बट सर, पास्ट रिकॉर्ड्स और फोन रिकॉर्ड्स से कुछ भी शो अप नहीं हुआ है। चैट्स के ट्रांसक्रिप्ट प्रोसेस पे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। मुझसे एक बार भी पूछे बिना मनगढ़ंत स्टोरी छपवा दी अखबार में, बदनाम कर रहे हैं मुझे, और अब मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने मैसेजेस और वीडियोस क्यों डिलीट किए। यही है आपके इन्वेस्टिगेशन का तरीका? देखिए बलराज जी, गौरव का गुस्सा आप मेरी बेटी पर इतने भद्दे और घटिया तरीके से नहीं निकाल सकते। मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा। अब मैं भी कतई नहीं होने दूंगा कि मेरे बेटे के हत्यारे आजाद घूमे। हाँ तो बेशक उन्हें पकड़वाइए, लेकिन मेरी बेटी उनमें से नहीं है बलराज जी। अरे वो पत्नी थी आपके बेटे की, और अब वो अपने भविष्य की सोच रही है। तो शादी से पहले सोचती अपने भविष्य का, मेरे बेटे को मारकर कैसे सोच सकती है? जानवी प्रेस हमसे पूछकर तो कुछ छापती नहीं। तो उन्हें पता कैसे चला कि मेरे फोन से मेरे ही फोटोज डिलीट किए गए हैं? हर सिस्टम में लीकेज होते हैं, पर मुद्दा यह है कि फोटोग्राफ्स, वीडियो और कुछ चैट्स क्यों डिलीट किए गए, वो भी मर्डर के तुरंत बाद। क्योंकि मुझे पता था सर कि आप लोग मुझे हरास करना शुरू कर देंगे, और वो फोटोज और वीडियोस बहुत प्राइवेट थे जो कि मेरे और गौरव के अलावा और कोई नहीं देख सकता। आप हमारी लेडी ऑफिसर के साथ बैठकर भी तो डिलीट कर सकती थी। अब तो शक और भी बढ़ता है कि क्यों और क्या डिलीट किया। शक होता है तो तहकीकात कीजिए, ढूंढिए मेरे खिलाफ सबूत, लेकिन इस तरह प्रेस की आड़ में मुझे बदनाम करना गलत है। मुझे मेरा फोन वापस चाहिए। देखिए बलराज जी, आप ये बिल्कुल मत समझना कि मेरी जानवी अकेली है, मैं उसका बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। पर मैं तो अब अकेला ही हूं, मेरे बेटे को मार जुड़ा ला आप लोगों ने, तो मैं तो बाल की खाल निकालूंगा ही निकालूंगा। अगर मेरे बेटे की जगह आपकी जानवी मारी गई होती तो आप भी यही करते अखिलेश जी। जानवी को उसका फोन लौटा दो, और उसके स्कूल लेवल से लेकर आज तक की लाइफ हिस्ट्री सब खोद निकालो। पक्का कुछ ऐसा है जो हमसे छूट गया है, जो इस केस का पासवर्ड है। जहां तक मैं जानता हूं, गौरव और जानवी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। मुझे तो याद भी नहीं कि गौरव ने कभी भी जानवी के बारे में कुछ भी नेगेटिव बोला हो। तो जानवी ने कभी कुछ बोला हो तुमसे? कोई शिकायत, कोई अनबन? सर, उनकी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए थे, और मेरा जानवी के साथ बड़ा ही फॉर्मल सा रिश्ता था। पर्सनल बातें करना तो बहुत दूर की बात है सर। तुमने कभी कुछ महसूस किया हो, कुछ देखा हो, कुछ सुना हो, कुछ भी नहीं सर? नशा तो मैं करता हूं सर, आपको कब से चढ़ने लगी? ओवर स्मार्ट मत बनी योगेश, जितना पूछा गया है उतना जवाब दे। जो पूछा गया है वो वाहियात है सर, क्योंकि मैंने पहले धमकी दी थी इसलिए मुझे कातिल करार कर दिया गया गौरव का। और अब आप ये पूछ रहे हैं कि गौरव और उसकी पत्नी, जो भी नाम है उसका, उनके बीच में कोई झगड़ा था या नहीं? मतलब वो तो बेस्ट फ्रेंड थे ना मेरे, रोज सुबह उठ के पुणे से मेरे को कॉल करते थे। हालांकि गौरव ने अपनी शादी पे ढंग से बात तक नहीं की मेरे से, अपनी बीवी से इंट्रोडक्शन तक नहीं करवाया। मैडम, हमने उज्जैन का एक कोना भी नहीं छोड़ा, कहाँ कहाँ नहीं तलाशा, लेकिन इस सब के बाद वो बात सामने आ गई है जो जानवी ने कहा था। 2 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं कॉलेज में, पर अब वो दोनों भी सेटल्ड है अपने अपनी लाइफ में। अभी जानवी किसी से मिलती है? नहीं मैडम, ये जानवी घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकलती। जब से पूना से लौटी है मानो जिंदगी पर ब्रेक लग गया है। हमने जानवी की हर बारीक से बारीक डिटेल ट्रैक की, इस उम्मीद में कि हमें कत्ल के मोटिव की कोई तो लीड मिले।
अब हम इस दोहराए पर पहुंचे थे कि या तो जानवी अपना जुर्म एक पेशेवर से भी बेहतर छुपा रही थी, या फिर वो वाकई में निर्दोष थी। इंस्पेक्टर, क्या आपको कोई अंदाजा है कि आपने मेरी बेटी का नाम कितना उछलने दिया है? प्रिंट मीडिया ने तो उधम मचा ही रखा है, अब सोशल मीडिया पे भी इतनी गंदी ट्रोलिंग हो रही है कि जानवी को अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डीएक्टिवेट करने पड़े हैं। हम इसके लिए जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं अखिलेश जी? हम बस एक संगीन जुर्म को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो हमारा काम है। तो क्या ये जुर्म नहीं है जो मेरी बेटी के साथ हो रहा है? सोशल मीडिया पर पब्लिक और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जर्नलिस्ट सबने मिलकर मेरी बेटी का मुकदमा चला रखा है, और आप चाहे जितना भी ना कहें इंस्पेक्टर, ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। कातिल को तो पकड़ नहीं पाया, ऊपर से आपके सिस्टम से ऐसी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लीक होती है जिसका नतीजा यह होता है कि मेरी बेटी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। मैं हाथ जोड़ता हूं आपकी, ये टॉर्चर बंद कीजिए प्लीज। मोरे, ऐसा क्यों है कि इस केस में अभी तक हमें एक भी सिंगल लूपहोल नहीं मिला है? एक अरसे के बाद ऐसा हो रहा है सर कि हमारे किसी भी सोर्स से हमें कोई फॉल्स लीड तक नहीं मिल रही है, सब जगह से ब्लैंक। सीसीटीवी में देखी गई सिल्वर सेडान कार जो गौरव की गाड़ी का पीछा कर रही थी और कत्ल में इस्तेमाल हुई थी, उस गाड़ी के सारे रजिस्टर्ड कार्स ट्रैक हुए, वापी, मुंबई, दिल्ली, पुणे, वो हर जगह जहां गौरव तिवारी पढ़ा था और फिर जॉब कर रहा था, हर जगह खंगाली गई। उसके हर छोटे से छोटे झगड़े की हिस्ट्री निकाली गई, एक थप्पड़ भी लगा हो तो वो मामला स्टडी किया गया, बातों ही बातों में हुई बहस का इतिहास भी निकाला गया। पर इस केस को क्रैक करने में हम पूरी तरह सफल रहे। इंस्पेक्टर, आपकी टीम निकम्मी है, इस बात में दो राय नहीं हो सकती। जानवी सब तक उसका जुर्म कबूल नहीं करवा पाया। बलराज जी, कन्फेशन के लिए भी संदिग्ध के खिलाफ ठोस सबूत चाहिए होते हैं, जो अभी तक हमारे हाथ नहीं लगे। सबूत इसलिए भी नहीं मिल रहा है सर कि आपकी टीम को ढूंढना ही नहीं है। जानवी के पिता अखिलेश ने उज्जैन के किसी पॉलिटिशियन से फोन करवा दिया होगा, या आपको कोई गुलदस्ता तो नहीं मिला गुलाबी नोटों का? ये बेबुनियाद और निहायती घटिया इल्जाम है बलराज जी। सर, वो गौरव का फादर बलराज कोर्ट जाने की बात कर रहा है, सेंट्रल एजेंसी को केस ट्रांसफर करने की बात कर रहा है। असम मर्डर में 0.30 बोर की गन इस्तेमाल की गई थी, सभी लाइसेंस गन्स को इन्वेस्टिगेट किया, ससुपारी मार्केट को भी खंगाला, जबकि वो आमतौर पर 0.30 बोर की गन इस्तेमाल नहीं करते। सर, क्या पता मिस्टेकन आइडेंटिटी का एंगल हो, शायद धीरज निशाना रहा हो, पर सर वहां से भी जीरो क्लू मिल रहा है। सर, अभी तक एक छोटी सी लीड जो हमारे हाथ लगी है वो ये है कि गौरव की किसी पब में हाथापाई हुई थी। तो गौरव जो डर रहा था कि उसे कोई मार डालेगा, वो इस हाथापाई से जुड़ा हो सकता है? पता कर रहा हूँ सर, पर ठोस कुछ नहीं है। इस मुकाम पर ये केस एक नई इन्वेस्टिगेशन टीम को ट्रांसफर कर दिया गया। हम इस केस को हल करने में नाकाम रहे थे। मैं और मेरी टीम दूसरे केसेस में बिजी हो गए, पर इस केस की नाकामियां भी हमें बार बार खटक रही थी। नई टीम भी उसी रास्ते पर चल पड़ी, वही वही लोगों की फिर से इंटरोगेशन हुई, और आखिर में उसी अंधी गली में इस नई टीम की तहकीकात ने भी दम तोड़ दिया। गौरव तिवारी मर्डर केस एक लंबे समय तक एक अनसुलझा केस बनकर रहा। कत्ल को अब लगभग एक साल हो गया था। इस केस से और गौरव की जिंदगी से जुड़े सभी लोग अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त हो गए थे, आगे निकल गए थे। उनमें वो लोग भी शामिल थे जो उसकी मौत से जुड़े थे, जो एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम देने की खुशी में लिपटे अपनी जिंदगी खुलकर जी रहे थे। बंदूक का ट्रिगर दबाने वाला हत्यारा भी अपनी जिंदगी में लौट चुका था। पर एक पिता, एक मां खालीपन के फंदे से लटकते उस दर्दनाक इंतजार में थे, ये जानने के लिए कि आखिरकार उनके बेटे को क्यों मारा गया था। इतने लंबे समय के बाद एक उड़ती खबर बनी इस केस के हल की शुरुआत। अब तक हम गौरव से जुड़े सारे पर्सनल एंगल खंगाल रहे थे, हो सकता है यहां कोई पर्सनल एंगल था ही नहीं। सर, इन चुराई गई एसयूवीज का केस रायपुर की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने क्रैक किया, उनसे बात करते हैं। पर सर, ये एंगल पर्सनल कैसे नहीं हो सकता है?
गौरव ने अपना डर व्यक्त किया था जिस पर अटैक होगा। तो फिर गौरव ने किसी को कुछ बोला क्यों नहीं था? ये एक राज बना हुआ है पिछले एक साल से। शायद इस राज का जवाब हमें इस नॉन पर्सनल एंगल से मिल जाए। अशोक, हम उन चुराई हुई एसयूवीज को अभी भी ट्रैक कर रहे हैं। वो कहां कहां से थी ये अभी पता नहीं, पर इतना पक्का है ये सारी एसयूवीज अलग अलग स्टेट से हैं। और इन्हें चुराकर बेचने वाला ये जो इंटरस्टेट गैंग है, उनका कनेक्शन और नेटवर्क तगड़ा है। इन गाड़ियों में ड्रग्स स्मगल होते हैं और नक्सल इलाकों में हथियार भी सप्लाई होते हैं। नदीम, हमारा एक अनसुलझा केस है, दूसरी इन्वेस्टिगेशन टीम भी आई थी पर डेड एंड पे रह गई। कौन सा केस है? गौरव तिवारी नाम था आदमी का, काफी यंग था, गोली मारी गई उसे। ना ही हम ना ही दूसरी टीम कोई ब्रेक थ्रू ला पाए, सारे पर्सनल एंगल टटोले लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। मर्डर एसयूवी में हुआ था। तुम्हें लगता है कत्ल उस एसयूवी के लिए हुआ होगा? जब से मैंने तुम्हारे इस केस के बारे में पढ़ा, तुम्हारा पूरा ऑपरेशन पढ़ा, तब से बार बार यही बात मेरे दिमाग में उठती रही है। ठीक है, मेरे हाथ में जितने भी आरोपी हैं सबको क्रैक करता हूं। हो सकता है तुम्हारे इस गौरव तिवारी मर्डर केस से कोई कनेक्शन निकला। अशोक, केस फाइल भिजवा दो। स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स के साथ भागीदारी करते हुए हमें हमारे केस का सीधा सीधा हल तो नहीं मिला, लेकिन हमारे केस के मुजरिमों तक पहुंचने का एक मजबूत सुराग जरूर मिला। अशोक, मैंने मेरे केस के जितने भी आरोपी हैं सबकी खाल उधेड़ी, पर तुम्हारे केस की एसयूवी का कुछ पता नहीं चला। एक प्रॉब्लम तो यह है कि ये किसी एक सेंट्रल कमांड को फॉलो नहीं करते, अलग अलग ग्रुप में ऑपरेट करते हैं और इन ग्रुप्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। पर नदीम, गाड़ियां तो किसी एक ही कमांड को डिलीवर होती होंगी ना, स्पेशली एसयूवी जैसी बड़ी गाड़ियां। हाँ है, राजन बाजवा बंदा अपने पास मोबाइल तक नहीं रखता, किसी के पास भी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पर उसकी एक टीम है, एक नेटवर्क है जो गाड़ियां खरीदती है और गाड़ियां बेचती है। इन शॉर्ट, अगर ये राजन बाजवा हमारे हाथ भी लग जाए तो भी नहीं बता पाएगा कि गौरव को किसने मारा है। मुश्किल है, उसे शायद पता भी ना हो। मतलब नदीम, मेरे इस केस को लीड नहीं मिलेगी? अशोक, लीड मिलेगी मेरे केस में भी। वो एसयूवी चुराने के लिए जिन गाड़ियों में पीछा कर रहे थे, सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद वो गाड़ियां पकड़ी नहीं गई। क्यों? क्योंकि तुम्हारे केस की तरह उन लोगों ने किसी दूसरी ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर अपनी गाड़ी पर लगा रखा। हमारी जो सिल्वर सेडान पर नंबर था MH04XR4H37, दरअसल वो किसी दूसरी गाड़ी का नंबर था। करेक्ट, सेम मॉडस ऑपरेंडी मेरे केस में भी थी, पर ये पीछा करने वाली गाड़ियां कभी पकड़ी नहीं गई। क्यों? क्योंकि उनके ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ खिलवाड़ किया गया था, उसे चेंज किया गया। जैसे कि? जैसे कि अब ये रही तुम्हारे केस की सिल्वर सेडान, अब इसका नंबर है MH04XR4H37। अब अगर ये नंबर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन नंबर है तो ये भाई लोग क्या करेंगे, ये XR जो है इसको थोड़ा उल्टा कर देंगे, RX कर देंगे, ये 4H को 3H कर देंगे, इस तरह से ये एक आध नंबर चेंज करके पूरा नंबर घुमा देते हैं। अब आप लगा लो जोर, ढूंढते रहो इन्हें, कभी नहीं ढूंढ पाओगे। इसलिए नहीं कि रजिस्ट्रेशन फर्जी है, बल्कि इसलिए कि ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ फेरबदल करके उसे पूरा चेंज कर दिया गया। एकदम सही लीड है नदीम, पर हमने इस बारे में सोचा ही नहीं। तुम्हारे केस से मिलती जुलती जितनी भी सिल्वर सेडान है ना, RTO से उन सब के रजिस्ट्रेशन नंबर मांगवा, और ये जो तुम्हारी कार का नंबर है MH04XR4H37, इससे मिलता जुलता जो भी नंबर है ना, उस कार पे फोकस करो, वो कार शायद तुम्हारे कातिल की कार हो सकती है। चांस ले लो। उसी मॉडल की सारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए आपको? सर, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, एक तो ये सेडान का पुराना मॉडल है। परचुरे साहब, और कोशिश कीजिए और जितनी जल्दी हो सके डिटेल्स भेजिए, इस केस को हुए पूरा एक साल होने को आ रहा है। मैं इस काम के लिए दो लड़के और लगा देता हूँ और आपको पूरी लीज भेजता हूँ। Thank you.
सर ये एक नंबर हमारे नंबर के सबसे करीब है और हमारे नंबर और इस नंबर में 19-20 का फर्क है बस। MH04 जैसे का वैसा, XP इस सेडान कार का XP ओरिजिनल सीरीज था, उन्होंने पी पे डंडा मारकर उसको आर कर दिया, तो ये भी हो गया सेम। और नंबर 3H74 इसको 4H37 कर दिया सर। क्या हमारा ब्रेक थ्रू है? सर ये 2015 का रजिस्ट्रेशन है, किसी नरेंद्र दामले के नाम पर, थाने का रहने वाला है। पता करो कौन है नरेंद्र दामले। सर ये मेरी गाड़ी नहीं है सर। क्योंकि नाटियों के रिकॉर्ड के हिसाब से ये तुम्हारी गाड़ी है। थी, 2015 में सेकंड हैंड खरीदी थी। खरीदी किससे थी? लोकल गैरेज से खरीदी थी सर, लेकिन लेते ही उसमें प्रॉब्लम निकली, गैराज ओनर से लड़ झगड़ कर किसी तरह से दूसरी गाड़ी दी। भगवान ही जाने इसके रजिस्ट्रेशन पेपर्स में अभी तक मेरा नाम और एड्रेस क्यों है। ये गैरेज कहाँ है और इसका मालिक कौन है? किशोर पाटिल, वागड़े इंडस्ट्रियल एस्टेट में, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। 2015 में बेची थी, 15 साल पहले नहीं, नरेंद्र दामले ने लौटा दी, फिर एक्सचेंज में तूने उसे दूसरी गाड़ी दी, ये वाली। किशोर पाटिल अगर याद नहीं आ रहा है तो बोल, नट बोल्ट टाइट करता हूं तेरे। नरेंद्र दामले से रिटर्न के बाद सिल्वर सेडान कार तूने किसे बेची थी? ये ना सब नवीन श्रीवास्तव, ये पुणे का ही है सर। नवीन ने बोला था कि ये नरेंद्र दामले का रजिस्ट्रेशन जो है वो पुणे में अपने नाम करा लेगा, अब क्यों नहीं कराया अब क्या मालूम। इस नवीन को फोन लगा तुरंत और पूछ इसने गाड़ी किसको बेची थी। हाँ बोल पाटिल, कैसे याद किया? अरे नवीन, अरे मैंने तुम्हें वो सिल्वर सेडान बेची थी ना, अरे वो सेकंड हैंड। हाँ हाँ क्या बात है, अरे वो है क्या तुम्हारे पास अब? नहीं वो तो मैंने बेच दी है। बेच दी? बेच दी? उसको पूछ कब बेची और किसको बेची, पूछ। अच्छा कब बेची भाई? क्यों पूछ रहे हो तो पाटिल? अब पुलिस पूछ रही है। कहाँ की पुलिस? ये पुणे क्राइम ब्रांच की, मैं क्या बोलूँ साहब को? हाँ बोल, अप्रैल 2017 में बेचती थी मैंने। साहब जो है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, एड्रेस, नाम वो सब मांग रहे भाई। हाँ देता हूँ, अभी फोन रख, सारी डिटेल्स एक ही साथ देता हूँ। राजलक्ष्मी शिवाजी नगर का एड्रेस है, SMS कर रहा हूँ, तुम तुरंत निकलो, नवीन श्रीवास्तव नाम है इसका। ऑन द वे सर। तू ये क्यों बोला उसे कि पुलिस आई है? साहब आपने मना भी तो नहीं किया कि मत बताना। डिटेल्स के साथ कॉल बैक करने वाला था नवीन और अब फोन स्विच ऑफ कर रखा है। आखिरकार कोई तो फोन स्विच ऑफ रख रहा है इस केस में। लगता है गौरव मर्डर केस अब खुलने लगा है पूरे एक साल बाद। मुंबई की टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से पास हुआ ये नवीन। करता क्या है, सर्विस बिजनेस? अभी का तो पता नहीं है मैम, लेकिन बीच में वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा था। अकेले रहता है? नहीं तो माँ बाप है ना, घनश्याम श्रीवास्तव और नम्रता श्रीवास्तव, UP साइड के है। और घनश्याम जी तो PWD में अच्छी पोस्ट पर है और आदमी भी अच्छे हैं। आप ये नम्रता और घनश्याम श्रीवास्तव का नंबर दीजिए मुझे। सर माँ बाप दोनों के फोन स्विच ऑफ। PWD ऑफिस? घनश्याम श्रीवास्तव सुबह ऑफिस आया तो था सर, फिर कहीं निकल गया, उसके बाद लौटा ही नहीं। ये नवीन श्रीवास्तव कहीं अपने साथ ले गया होगा हमारे डर से। शायद अब हम सही ट्रैक पर हैं। नवीन श्रीवास्तव? नहीं ये नाम तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। नहीं गौरव ने कभी जिक्र नहीं किया किसी नवीन श्रीवास्तव का। जी नहीं, मैं किसी नवीन श्रीवास्तव को नहीं जानता, लेकिन मैं एक जानवी को जरूर जानता हूं जो एक साल पहले मेरे बेटे को निगल गई और जो चूहों की तरह आप लोगों को भगा रही है। नवीन श्रीवास्तव, फादर घनश्याम श्रीवास्तव और मां नम्रता श्रीवास्तव, तीनों की तस्वीरें सर्कुलेट की गई हैं। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हर जगह लुकआउट है तीनों के लिए। नवीन श्रीवास्तव आरोपी हो सकता है, छूटने ना पाए। सब फोन रिकॉर्ड शाम तक टेबल पर होंगे। ये श्रीवास्तव फैमिली की कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है? उल्टा है सर, घनश्याम PWD डिपार्टमेंट में आदर्श कर्मचारी का खिताब ले चुका है। नवीन इंजीनियरिंग कॉलेज का टॉप रैंकिंग का स्टूडेंट था। उसके बाद नवीन अच्छा खासा प्रॉपर्टी बिजनेस चला रहा था जो कि एक साल पहले ही बंद पड़ गया। सर क्रिमिनल बैकग्राउंड तो दूर दूर तक कुछ नहीं है। अपना टारगेट नवीन है सर। कैसे पता चला? धीरज ने नवीन श्रीवास्तव के फोटो से आइडेंटिफाई कर लिया उसे। सर यही है वो शूटर
और तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि ये कौन है? नहीं सर। इस नवीन श्रीवास्तव के हाथ में एक परमानेंट टैटू है सर, उसके एक पड़ोसी ने बताया। चलो काफी देर से आए पर दुरुस्त है। बोलीश्वर साहब, यहाँ कैंप एरिया में डॉक्टर पाथोड़े का क्लिनिक है और ये आपका नवीन श्रीवास्तव, उसका शाम का अपॉइंटमेंट है। किस चीज का डॉक्टर है? चमड़ी का। ये नवीन अपने हाथ के ऊपर का टैटू मिटवाने आ रहा है। और दूसरा, और कौन कौन थे? तू इसका नंबर प्लेट चेंज कर दे। अच्छा सुन, ये जो पी है ना, इसमें ऐसे दंडी मार के आर बना। ठीक। और ये 3H74 को 4H37 कर। समझो, हो गया अर्जुन भाई? ओ नहीं गया, जल्दी करा के ला। अभी करवाता हूँ। यार अर्जुन, मुझे टेंशन हो रही है यार। पैसे मिलेंगे तगड़े, ये सोच सब सही लगेगा। लेकिन यार अर्जुन, कोई लेकिन वेकिन नहीं भाई। ये जो मंगेश भाऊ है ना, जिसने मुझसे पैसे लिए हैं, एक नंबर का दो नंबर आदमी है। मेरे पैसे लौटाने से तो रहा वो, और अगर वो मुझे नहीं देगा तो मैं तुझे पैसे कहाँ से दूंगा भाई? देख, यही एक रास्ता है, दोनों की जेब गरम। वो सब तो ठीक है, मैं रिस्क है यार, इसमें फंस सकते हैं। अरे भाई, पहले से कम फंसे हम लोग। मंगेश भाऊ, वो जो मैंने आपको 5 लाख रुपए दिए थे ना लगाने के लिए, वो दरअसल नवीन के बिजनेस के हैं। इसकी हालत बहुत खराब है भाऊ, ऑफिस में पगार देने के लाले पड़े हैं। यार तू इसको लेकर आया मेरे को डराने या अपने ऊपर तरस खिलाने? नहीं नहीं भाऊ, मैं आपको कैसे डराने आऊंगा। दरअसल भाऊ, ये नवीन अपना छोटा मोटा बिजनेस चलाता है भाऊ, खून पसीने की कमाई है। अभी महीने के आखिरी में हाथ में कुछ नहीं रहेगा तो इसकी वाट लग जाएगी, अपने बिजनेस से आउट हो जाएगा। अरे तो क्या हुआ, फिर से इन हो जाएगा? बिजनेस में ऐसा होता रहता है। अभी तो मेरे को देख, मैं कितनी बार बिजनेस में इन हुआ, आउट हुआ जेल से। घबरा मत, लाइफ है, चलता है। कुछ तो दे दो ना भाऊ। अबे जब कुछ है ही नहीं तो क्या दूंगा? सॉरी भाऊ, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब भाऊ, अगर मेरे पैसे होते तो अलग बात थी, मैंने इससे उधार लेके आपको दिया था, अभी इसको अर्जेंट है। एक तरीका है। क्या? पर उसमें थोड़ी डेयरिंग मांगती है, करोगे? क्या करना पड़ेगा? तुम दोनों मिलकर मुझे एक SUV ला के दो। SUV ला दो मतलब भाव? लाके दो मतलब लाके दो। अब कैसे, किधर से, चोरी करो, लूटो, जैसे भी, वो मेरे को नहीं मालूम, पर गाड़ी SUV ही होनी चाहिए। पर अर्जुन, वो जो मैंने तेरे को 5 लाख देना है ना, उसकी जगह मैं तेरे को 8 लाख दूंगा, ठीक है? तुम दोनों मिलके 50-50 कर लेना। सोचने का नहीं, सीधा कर डालने का। सामने से डिमांड है, 3 SUV चाहिए। अभी 3 उड़ा सको तो बेस्ट है, वरना कम से कम एक ही ला दे। ठीक, हम लोग ना बड़ी से बड़ी SUV उड़ाएंगे, मिनिमम 20-22 लाख के। पर मंगेश भाऊ को बोलेंगे ना, 8 के बदले 10 देने को देंगे वो। मैं क्रिमिनल नहीं हूं यार। अरे यार, तू ये दूध से धुली बातें मत कर। देख, ये जो गाड़ी हम लोग उड़ाएंगे ना मंगेश भाई के लिए, उसका पुर्जा खुल जाएगा, पोस्टमार्टम हो जाएगा, इंजन जाएगा सूरत और टैंक जाएगा दिल्ली। किसी के बाप को भी पता नहीं चलेगा कि उस गाड़ी के साथ क्या हुआ। मजबूरी में क्या सर,
मेरे प्रॉपर्टी के बिजनेस में बहुत लॉसेस हुए थे। मैं वैसे क्रिमिनल नहीं हूँ सर। ये अर्जुन वर्मा और संतोष प्रधान दोनों कहाँ हैं इस वक्त? संतोष हिंजेवाड़ी में टैक्सी चलाता है, मेरे पास उसका एड्रेस है। और ये अर्जुन वर्मा और ये तेरा मंगेश भाऊ? मंगेश भाऊ को एक ठिकाना नहीं है सर, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। और अर्जुन वर्मा? वो मर गया। कैसे? किडनी फेलियर मैडम, 6 महीने हो गए। अर्जुन वर्मा का कोई रिलेटिव है यहाँ? नो डॉक्टर, उसके फैमिली मेंबर सब यूपी में है, मैं उसका दोस्त हूँ। कैसे अर्जुन? तुम्हारे दोस्त की दोनों किडनीज परमानेंट डैमेज हो चुकी है। आई एम सॉरी, ही इज डेड। मारने वाने का तो दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था सर, मैं तो इस गौरव बंदे को जानता तक नहीं था। मारने का कोई इरादा नहीं था और बस 3 गोलियां पॉइंट ब्लैंक दाग दी ऐसे ही। मैं डर गया था सर। उसने गियर चेंज किया, गाड़ी आगे बढ़ाई, मुझे लगा मुझ पे गाड़ी चढ़ा देगा, मुझे कुचल देगा सर। उसने तो फायर कर दिया अर्जुन भाई। ए साले जल्दी बैठ, पब्लिक ने देख लिए, चीर देंगे हमको। मानने वाने का कोई इरादा नहीं था सर, मैं तो गन भी साथ में ले जाना नहीं चाहता था। गन कहां से खरीदी तूने? खरीदी नहीं सर, अर्जुन के पास थी। एसयूवी के लिए गौरव को क्यों निशाना बनाया, कोई और क्यों नहीं? हम तो चक्कर काटे जा रहे थे शहर भर, कौन सी एसयूवी सही रहेगी टारगेट करने के लिए। तब हमें रेस्टोरेंट के बाद ये एसयूवी दिखी, गौरव वाली एसयूवी। सही है अपने लिए। क्या बोलता है संतोष? एकदम टकाटक कंडीशन है, कम से कम 23 से 24 लाख कहीं नहीं गए, पर मंगेश भाव को 20 तो मिल ही जाएंगे। ठीक है फिर, यहीं वेट करते हैं, जब निकलेगी तो पीछा करेंगे, देखते हैं कि कौन है, कितने और कहां धर सकते हैं। पीछा करते रहे, बाईपास के टर्न के बाद सुनसान रास्ता मिला, तब हमने सोचा यही सही वक्त है, सही जगह है, ले लेते हैं। क्या एक जवान आदमी की जान बस यूं ही? और दाग दी 3 गोलियां गौरव पर? डर में चल गई, कुचलने वाला था वो मुझे। कुचल तो तूने अपने आप को उसी दिन दिया था जिस दिन ये चोरी का ख्याल आया था तेरे दिमाग में। दुनिया की कोई भी अदालत ये मानने को तैयार नहीं होगी कि गौरव पर जो 3 गोलियां तूने चलाई, वो गोलियां चलाने का तेरा कोई इरादा नहीं था। घनश्याम जी, आदर्श कर्मचारी का खिताब लेने वाले सीनियर डिविजनल क्लर्क घनश्याम जी श्रीवास्तव, पूरे 1 साल तक आपको मालूम था कि आपका बेटा क्रिमिनल है, खूनी है, फिर भी इतने वक्त तक आपने अपने बेटे का गुनाह और गुनाह में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को ऐसे छुपा रहने दिया? मैडम, नवीन पढ़ा लिखा लड़का है, पता नहीं ऐसा कैसे जल्दी पैसा बनाने की दौड़ में शामिल हो गया वो। मैं डर गया था। डर गए थे? वहां आप लोग जैसा एक परिवार है, उस परिवार में आप ही के जैसा एक जवान पढ़ा लिखा इकलौता बेटा था, गौरव तिवारी, जिसकी आपके बेटे ने हत्या कर दी। साथीदार संतोष प्रधान और मास्टरमाइंड मंगेश वाल दोनों को हिरासत में ले लिया। ये संतोष छोटी मोटी चोरियां करता है और ये मंगेश कई गाड़ियों की चोरी के केसेस से जुड़ा है। और नदीम मैम, ये मंगेश राजन वाजवा का सप्लायर भी है। सुपर, आखिरकार हम दोनों के केसेस, दरअसल एक ही केस। उस अर्जुन का क्या हुआ जिसकी डेथ हुई थी? उसका डेथ सर्टिफिकेट ले लिया है हॉस्पिटल से, मर्डर वेपन उसी के नाम पर लाइसेंस थी,
बंदे की क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है। रैंडम अटैक था, वो भी एसयूवी के लिए। हाँ, नवीन श्रीवास्तव का कहना है कि उसने डर के मारे गोली चला दी, उसे लगा गौरव उसके ऊपर गाड़ी चला देगा। मतलब वो मुझ पर भी फायर कर सकता था, और अगर गाड़ी में जानवी होती तो जानवी को भी शायद। कितनी तकलीफ, कितनी जिल्लत उठानी पड़ी मेरी बेटी को आप लोगों के कारण पूरा एक साल। काश इस केस का हल पहले मिला होता, काफी पहले। रही बात प्रेस की, कुछ साबित होने से पहले ही लोग अपने फैसले सुनाने लगे, अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सामने रखते हुए, तो हम क्या कर सकते सिवाय अपनी ड्यूटी करने जो हमने की। मेरे बेटे को सिर्फ एसयूवी गाड़ी हासिल करने के लिए मारा गया, सिर्फ उसके लिए? नामुमकिन। फिर गौरव को डर किस बात का था? बलराज जी, कुछ पब्स और बार्स में शराब पीकर गौरव की झड़पें हुई, उसे लगता था शायद उनमें से कोई उसके साथ कुछ करेगा, शायद ही उसका वहम। अब वहम का बहाना बनाकर मेरे बेटे को पागल करा देंगे ताकि उसकी असली कातिल जानवी को बचाया जा सके। पूरे सबूतों के साथ नवीन श्रीवास्तव और उसके साथीदारों के खिलाफ हम चार्जशीट फाइल कर रहे हैं। आपके बेटे के हत्यारे पकड़े गए हैं। कह रहे किसी ने ऐसे ही मार दिया हमारे बेटे को गाड़ी चुराने की। आपने सुना ना पापा? हाँ सुना, मुझसे गलती हुई कि मैंने तुझ पर शक की उंगली उठाई, लेकिन तूने आज तक ऐसा क्या किया है जिससे मेरा सर फक्र से ऊंचा हो? नई शुरुआत करने के लिए कभी देर नहीं होती बेटा। एक आदमी गौरव अपनी मेहनत से अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने चला था, एक आदमी नवीन अपना बिजनेस बैठ जाने के बाद भरपाई जुर्म से करने चला था। जान गंवाने वाला पीड़ित पढ़ा लिखा था, उसका उज्जवल भविष्य था, जिसे तीन गोलियों ने पूरी तरह से बुझा दिया। जान लेने वाला आरोपी भी पढ़ा लिखा था, उसका भविष्य भी उज्जवल था, जो उसकी लालची आंखें देख नहीं पाई, और जुर्म के जरिए अब यह सारी जिंदगी जेल में गुजारेगा। यह ना सिद्धांतों की बात है और ना ही अध्यात्म की, कॉमन सेंस है कि जैसे तैसे हासिल किया गया पैसा जिंदगी नहीं बना सकता। जिंदगी की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ, आज की तारीख में भी ईमानदारी से ही बनती है। ईमानदारी का मोल जिंदगी भर कमाए गए पैसों के मोल से कहीं ज्यादा है। बहुत सारा पैसा सुख दे सकता है, पर मेहनत की कमाई सुकून देती है। यह बहुत कुछ कितना बहुत होना चाहिए इसकी कोई सीमा नहीं, ये सीमा हमारी गरिमा, हमारी खुददारी खींचती है और ईमानदारी के दायरे में हमें कायम रखती है। अगले हफ्ते एक और नया केस पेश करेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।